तेज रफ्तार डंपर रेलिंग तोड़ता हुआ हादसे का शिकार हो गया। घटना के वक्त डंपर के नीचे कार की चपेट में आने के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि मौके पर कोई मौजूद नहीं था, एक बड़ा हादसा हो जाता। घायल डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। दरअसल मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के बापट चौराहे के नजदीक से तेज रफ्तार डंपर का अनियंत्रित होते हुए रेलिंग तोड़ते हुए बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा इतना भीषण था कि गड्ढे में गिरे डंपर की चपेट में आने से नीचे मौजूद एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि वाहन चालक शराब के नशे में धुत था, जो मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। वहीं क्रेन की मदद से डंपर को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। शर्मा परिवार के घर के बाहर खड़ी कार हादसे में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अभी बापट चौराहे पर लगभग आधे घंटे पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें सर्विस बापट चौराहा सर्विस रोड पर पुल के पास में एक डंपर तेज गति से आता हुआ और सर्विस रोड की रेलिंग तोड़ता हुआ एक कार पर जा गिरा है, जिसमें कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। डंपर चालक जो है मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है। और कार जो है सामने हरीश शर्मा जी की है, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। घर के बाहर खड़े थे, कुछ लोग खड़े थे, बाल बाल बचे हैं जी। उस समय घर के बाहर कोई भी नहीं था, आवाज़ सुन के सभी लोग बाहर आए। कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, मतलब कोई जनहानि नहीं हुई है। आपका परिचय? ऐसा ही शिवराज सिंह ठाकुर।